Okay. Hello. Hi, Sasti Ugly. हाय एवरीवन, क्या हाल है साहब? आप दिख नहीं रहे मुझे. मैं दिख नहीं रहा, आप मुझे दिख नहीं रहे हो. आ गए. ओके, अब दिख गए हो. ठीक अब है. दिख रहा हूँ। यस यस, अब दिख रहे हो मेरे को. और कैसे हो डॉक? मैं बहुत बढ़िया हूँ. मेरे बाल कट गए हैं, मैं अजीब सा दिख रहा हूँ. मत वही देख रहा हूँ देखो, चुप. मैं मेरे को मत देखो. सब लोग क्या हाल है भाई? मैं डॉक बढ़िया। मैं वही सोच रहा था कि टुडे यू आर लुकिंग अ बिट डिफरेंट, बट बाल मेरे छोटे हो गए हैं, इसलिए कोई राइट नहीं, कट फिर से बड़े हो जाएंगे. दादी छोटे नहीं, काटती होती मतलब हैं. क्यों कटाने का ऐसा क्यों ख्याल क्यों आया? यार मेरा एक शूट होने वाला है कश्मीर में नवंबर 1st वीक, तो हाँ एक एल्बम सॉन्ग का शूट है, तो मैंने सोचा इसके पहले थोड़ा बाल सेट करा लूं. अभी कटवाए हैं तो तब तक थोड़े बड़े हो जाएंगे, वरना और बड़े बड़े हो जाते. उस समय मैं कटवाता तो मैं अजीब सा दिखता. तो हाँ जितनी बार मैं बाल कटवाता हूँ उतने ऑनलाइन, मतलब 15 दिन लगते हैं मेरे को सेट होने में बाल. राइट राइट एक सेकंड डॉक, एक सेकंड, आवाज आ रही है क्लियर? राइट ठीक, बिल्कुल, परफेक्ट आपकी आवाज आ रही है. राइट डॉक, मेरे को एक चीज पूछनी थी। जैसे मैं हिमाचल में रहता हूँ राइट, धर्मशाला में, एंड यहाँ पे सबसे पहले तो विंटर वो क्या था, वो क्या था, Ladies and gentlemen, if you are indeed ready for this particular session, then kindly drop us one of these and be like, "Yo, Sahas, ये गाइस, ये ये मेरा साहस है, मेरा फ्रेंड, बहुत अच्छा फ्रेंड बन चुका है. तो ही इज अ वेरी गुड एंकर. इसको फॉलो करिएगा सब लोग, जितने लोग भी यहाँ पे अभी देख रहे हैं या बाद में देखेंगे, तो सब इसको फॉलो कर लीजिएगा. ही इज अ वेरी गुड एंकर. और एक बार साहस वापस से स्टार्ट करो. ठीक है, तो जितने लोग आ रहे हैं सब देखेंगे आपको, आपकी काबिलियत. Ladies and gentlemen, boys and girls of the house, if you are indeed and most certainly ready for this particular session, then kindly drop us one of these and be like, "Yo, Sahas, we are ready for this particular session," because this is going to be absolutely delirious and utopian for all of us right now. ये मेरा bed style होता है, but मैं लोगों को ना, ओके मैं अभी जैसे लॉकडाउन स्टार्ट हुआ डॉक, तो मैं घर पे ना मतलब आरजे की तरह बात करने लग गया था मम्मी के अच्छा. साथ, जस्ट लाइक आरजे. सो आई वाज ओके लाइक, ladies and gentlemen, when you're talking about oldies, you're listening to nothing but 98.9 FM. And if you want to see this man live, get the tickets to Shantidevi Auditorium. And I'm pretty sure that you'll have a great time. But till then, just be safe, secure, and listen to 98.9 तो मैं बता रहा हूँ, यहाँ पे जितने लोग बैठे हैं वो फट से तुमको फॉलो करने वाले हैं, और यहाँ से मेरे को अनफॉलो मारेंगे, FM. तुमको फॉलो मारेंगे. काश ऐसा होता नहीं, अभी देखो कैसे बढ़ेगी फॉलोअर लिस्ट. नहीं, कुछ नहीं ऐसा, बट एनी हाउ डॉक, मेरे को पूछना था कि जैसे अब विंटर स्टार्ट, पेशेंट टिल कम बैक ये थोड़ा नेटवर्क, डॉक. एक एक कॉल आ गया हाँ था मेरे को, पता नहीं किसने. हाँ Are you back? यस यस यस. ओके, सो Wonderful, विंटर में right? क्या बोल रहे थे आप? हाँ, मैं बोल रहा, विंटर में मैं बोल रहा था ठंड लगती अच्छा, उसके लिए आपको गर्मी लेनी पड़ेगी, और वहां पे बहुत नहीं गर्मियां मिलेंगी आपको हिमाचल नहीं मैं काफी गलत साउंड किया, बट एनी हाउ मैं अच्छा में. ठीक है. अपार्ट फ्रॉम ऑल दी सॉक्स, मैं पूछूंगा कि जैसे यहाँ पे विंटर्स स्टार्ट हो गई है राइट, एंड पीपल थिंक कि समर्स में उनकी स्किन को ज्यादा प्रोटेक्शन चाहिए होता है एज कम्पेयर टू विंटर्स, तो ये मिथ है कि फैक्ट है कि ज्यादा हार्मफुल होती है एज कम्पेयर टू विंटर्स स्किन के लिए? देखो, विंटर में कंफ्यूजन क्या होता है लोगों के दिमाग में, सबसे बड़ा कंफ्यूजन, सबसे बड़ी गलतफहमी जो है वो विंटर और समर में कंफ्यूजन जो होता है वो होता है कि सनलाइट को लेके. ओके, हाँ जी वो सोचते हैं कि बाहर गर्मियों में धूप है, ओके, बहुत गर्मी है, तो हमारी स्किन को जला देगी.
ठीक है। अभी चक्कर क्या होता है कि सन में थ्री टाइप की रेज होती है, एक होती है यूवी ए, यूवी बी एंड इंफ्रा रेड रेज। ठीक है, यूवी ए एंड यूवी बी आपको रिंकल्स एंड टैनिंग कॉज करती है, बट इंफ्रा रेड रेज गर्म होती है, खराब वो नहीं होती है। इंफ्रा रेड खराब नहीं होती है, वो गर्म होती है सिर्फ। ठीक है, अभी विंटर्स में क्या होता है, जब बादल होते हैं या रेनी सीजन में क्या होता है, बादल होते हैं तो इंफ्रा रेड रेड्स तो फिल्टर हो जाती है, वो आ नहीं पाती है, बट यूवी ए एंड यूवी बी धरती तक आती रहती है। अभी जब वो आ रही है और आप प्रॉपर सन प्रोटेक्शन नहीं करोगे, तो वो जो डैमेज आपको 12 बजे की गर्मी की चिलचिलाती धूप में जो डैमेज होगा, वही आपको विंटर में भी नॉर्मल में भी होगा। तो ये लोगों को पता नहीं होता, वो सनस्क्रीन नहीं लगाते हैं, तो सबसे बड़ी गलतफहमी कंफ्यूजन यही होता है, और उनको स्किन डैमेज होती रहती है स्लोली ग्रेजुअली, उनको कहीं ना कहीं कोई इश्यूज आते रहते हैं लॉन्ग टर्म में, स्किन में एजिंग प्रोसेस जो होती है वो दिखती है। राइट। एक क्वेश्चन किसी ने पोस्ट किया अभी कि माय लिप्स आर हैविंग ब्लैक स्टेन्स एट द कॉर्नर्स, तो उसके लिए क्या कर सकते हैं? क्या 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 ब्लैक स्टेन्स लिप्स के कॉर्नर्स में। ओके 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 कई बार जो ब्लैक स्टेन्स यहाँ पे लिप के कॉर्नर में आते हैं, वो जनरली आपके अगर लिप ड्राई हो रहे हैं तो वहां पे ड्राई होने के कारण पिगमेंटेशन आते हैं, वो जब आप रगड़ते हो तो दैट्स कॉल्ड फ्रिक्शनल पिगमेंटेशन। फ्रिक्शनल मतलब जब रगड़ने से जो पिगमेंट आ रहे हैं, तो सबसे पहले आप रगड़ना बंद कर दो, और यहाँ पे आप जनरली मॉइस्चराइजर अच्छे से लगाए, और कलर सॉफ्ट करना है तो इंस्टा ब्राइट पैक आता है, वो अप्लाई करिए फुल फेस में, तो आपके ओवरऑल पिगमेंटेशन भी सॉफ्ट हो जाएंगे, चाहे यहाँ पे हो चाहे फेस में कहीं भी हो। राइट। एंड विंटर में तो अपनी स्किन कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं? विंटर में अपनी स्किन को कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं यार क्योंकि विंटर्स लास्ट? में, मैं एक और बात बताता हूँ, क्योंकि विंटर्स में वाटर कंजम्पशन जो होता है वो कम हो जाता है कंपैरेटिवली एज कम्पेयर टू समर्स। तो विंटर्स में कैसे अपने आप को हाइड्रेट रख सकते हैं, कैसे अपनी स्किन को टोन अप कर सकते हैं? देखो, सिंपल से सिंपल सा एक फॉर्मूला है, फंडा है, क्लींजिंग टोनिंग मॉइस्चराइजिंग। लास्ट टाइम भी मैंने बताया था, आपको चाहे 12 महीने आपको क्लींजिंग टोनिंग मॉइस्चराइजिंग करना है, स्किन को हाइड्रेट करना है। एक सेट आता है ब्यूटी वाटर का, ये लाइक ये ब्यूटी वाटर का सेट है, इसमें तीन स्टेप होते हैं, स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, ये तीन स्टेप होते हैं। तो ये जो स्टेप 1 होता है, ये जनरली होता है 11.5 pH का, इट्स हाईली अल्कलाइन, तो ये जितना भी आपका ऑयल वॉइल होता है, ये उसको डिजोल्व कर देता है। स्टेप 1, जब ऑयल डिजोल्व हो जाता है फेस में, चाहे गर्मी हो चाहे समर हो, कभी भी हो चाहे विंटर हो, आपका ऑयल डिजोल्व हो जाएगा तो आपके पोर्स क्लीन हो जाएंगे, क्लियर आउट आउट हो जाएंगे। उसके बाद आपको इसमें स्टेप 2 आता है जो 2.5 pH का होता है, विच इज एसिडिक, ये आपके जितने भी बैक्टीरिया होते हैं उनको किल कर देगा, ये वाला। तो आपको अगर फंगल इन्फेक्शन हो रहा है, एक्ने की प्रॉब्लम है, तो आप इसको स्प्रे करने के बाद इसको स्प्रे करना है, और ये न्यूट्रल पीएच है, pH 6 है, विच इज ब्यूटी वाटर। ये आपका जो आपके जो स्किन का पीएच है 5.3 to 5.5 होता है, उसको मेंटेन कर देगा। तो आप कभी भी हो, चाहे विंटर हो चाहे समर हो चाहे कोई भी सीजन हो, आपको प्रॉपर क्लीनिंग करनी है। क्लीनिंग नहीं करेंगे तो आपको स्किन में दिक्कत करेगा। हाइड्रेशन की बात जहां तक है, बिकॉज ठंड में स्किन ड्राई हो जाती है तो वो ज्यादा डिहाइड्रेट होती है, जल्दी डिहाइड्रेट होती है, तो आपको पानी ज्यादा पीना है, साथ ही स्टीम लीजिए। स्टीम लेंगे, स्टीम से दो फायदे होंगे, आप जब स्टीम लेंगे तो वहां पे वैसोडाइलेशन होगा, खून का फ्लो बढ़ेगा, तो अगेन जब खून का फ्लो बढ़ेगा स्किन के अंदर, तो वहां पे आपको ब्लड सर्कुलेशन में ऑक्सीजन मिलेगी एंड जो न्यूट्रिशन होते हैं वो मिलेंगे, आपकी स्किन हेल्दी ग्रो करेगी, ग्रो हेल्दी होगी। दूसरी बात, वहां पे आपके जितने टॉक्सिन्स, जब पोर्स ओपन हो जाएंगे तो आपके टॉक्सिन्स भी रिमूव हो जाएंगे, तो गंदगी बाहर निकल जाएगी, जितनी गंदगी आप शरीर के अंदर रखेंगे उतना वो आपको लॉन्ग टर्म में डैमेज करेगा, स्किन में लॉन्ग टर्म में आपको कहीं ना कहीं इश्यूज दिखने लगेंगे। ये स्लोली स्लोली स्टार्ट होता है, तुरंत नहीं होता है, बट हम लोग केयर नहीं करते हैं, हम लोग सोचते हैं कि यार हम लोग फेस वॉश नहा तो रहे हैं, साबुन लगा लो, कुछ भी लगा लो, साफ हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है। आपको प्रॉपर आपकी स्किन के अकॉर्डिंग आपको लगाना चाहिए, आपकी स्किन ऑयली है, ड्राई है, न्यूट्रल क्या है, आपको उसके अकॉर्डिंग आपको चीजें यूज करना चाहिए। राइट डॉग। एंड किसी ने एक और क्वेश्चन पोस्ट किया टीथ व्हाइटनिंग के लिए। अब ये मेरे लिए काफी एक पर्सनल क्वेश्चन भी है, बिकॉज मैं यूज कर रहा था चाकोल वाला जो होता है टीथ व्हाइटनिंग, तो मेरे को किसी ने सजेस्ट किया, बिकॉज आई हैव नॉर्मल टीथ, राइट, मेरे को बहुत येलो स्टेन या वैसे भी है। तो मैंने अपने डेंटिस्ट से फिर कंफर्म किया, सो डेंटिस्ट सेड कि ये काफी एब्रेसिव होते हैं, ये ऊपर की टीथ की लेयर उतार देता है, एनामल को भी डैमेज करता है, तो तो सबसे पहले मैं लोगों को बता दूं यहाँ पे कि मैं डेंटिस्ट नहीं हूँ, मैं एक MBBS डॉक्टर हूँ और स्किन के ट्रीटमेंट करता हूँ, तो बट मुझे नॉलेज है, तो
टीथ वाइटनिंग के बारे में जो आप पूछना चाह रहे हैं, इसमें दो तीन तरीके के ट्रीटमेंट होते हैं. एक होता है बेसिकली जो टीथ व्हाइटनिंग किट आती है उसमें हाइड्रोजन परोक्साइड यूज किया जाता है, मैक्सिमम कॉन्सेंट्रेशन में आता है 35% हाइड्रोजन परोक्साइड की कॉन्सेंट्रेशन में आता है, जो ब्लीचिंग एजेंट होता है जो आपके टीथ के एनामेल को ब्लीच कर देता है. हमेशा याद रखिए आपका टीथ व्हाइटनिंग जितना भी आप जो देखते हो कोलगेट स्माइल या कुछ भी मार्केट में देख रहे हो वैसा नहीं होता है, आपकी जो बोन का कलर होगा वही निकल के आएगा. आपके टीथ और आपके बोन का कलर सेम होता है. आप जब भी कोई भी कॉफी पीते हो, चाय पीते हो, पान खाते हो तो स्टेनिंग होती है, तो उससे येलोइश आ जाते हैं. अगर आप प्रॉपर क्लीनिंग करेंगे तो मैं भी पीता हूँ तो वो नहीं होगा. बट आप जब अगर कोई ब्लीचिंग कराते भी हो, आप कहीं गए किसी डॉक्टर के पास गए, उसने ब्लीचिंग कर दी थी, उसके बाद भी आपको कॉफी एंड टी अवॉइड करना पड़ेगा और एल्स वो वापस से स्टेन करेगा. दूसरी बात, वो आप जब हाइड्रोजन परऑक्साइड लगाएंगे आपके दांतों के ऊपर, उसके बाद एक लेजर लाइट होती है वो लगा देते हैं, फिक्स कर देते हैं उसको, फिर ब्लीचिंग करते हैं और पता नहीं कुछ कुछ उनका प्रोसीजर होता है. उसके बाद होता क्या है कि वो आपकी अपर लेयर को एब्रेड कर देता है. आपकी आपकी जो टीथ होते हैं थोड़े सेंसिटिव हो जाते हैं बिकॉज लेयर निकल गई, एनामल लेयर जो होती है अपर लेयर होती है वो एब्रेड हो गई है, तो स्किन और टीथ थोड़े सेंसिटिव हो जाते हैं, तो आपको ठंडा ग्राउंड फील हो सकता है. अगर आपको बहुत ज्यादा ही स्माइल करेक्शन कराना है तो फिर विनियर्स आते हैं, विनियर्स अप्लाई करिए, कैपिंग होती है वो अप्लाई करो, वो परमानेंट होते हैं. व्हाइटनिंग किट जो आती है, टीथ व्हाइटनिंग किट, वो लॉन्ग टर्म रिजल्ट नहीं देता है, शॉर्ट टर्म रिजल्ट होते हैं. दूसरी बात, उसका डैमेज ज्यादा करता है. तो अगर करना ही है तो आरसीटी कराइए पूरे दांतों में और फिर उसमें कैपिंग लगवा लो या विनियर्स लगवा लो, जो सेलिब्रिटीज करते हैं जनरली, सारे सेलिब्रिटीज हॉलीवुड के बॉलीवुड के यही करते हैं, विनियर्स लगवाते हैं या फिर कैपिंग लगवाते हैं. मेरे खुद कैपिंग हुई है जिरकोनियन क्राउन टी. अच्छा जी, दिखाओ. एक ये एक पीछे मोलर है, एक ये वाला मोलर है. वो ऐसे पता नहीं लगता है क्योंकि वो जिरकोनियन क्राउन है तो उसका कलर जो है मेरे टीथ के साथ ही मैच करवा के बनवाया था मैंने. अच्छा, तो वो ऐसे पता नहीं लगेगा. बट हाँ, मैं आई डू गेट योर पॉइंट नाउ. ठीक है, राइट. एंड डॉक, आपके हिसाब से मतलब आपने क्या ऐसे कुछ personal tips within the period of time, इतनी research, as you are a doctor, right? Like, doctor, इससे ज़्यादा मैं और क्या हो सकता है education में? आप एक doctor है, आपने इतने सारे years की research के साथ, आपने कुछ अपने आप पे कुछ discover किया होगा, right? यार, मेरा जो USP है, मेरी जो USP है treatment की, वो है skin whitening. 2009 से मैं practice कर रहा हूँ और अभी तक 1,00,000 के ऊपर patient में treat कर चुका हूँ for skin whitening, जो मेरे पास on record है. मेरे पास अराउंड 5 to 6 lakh फोटोज होंगी मेरे खुद के पेशेंट्स की, डेट वाइज मेरे पास है. मतलब इतना डेटा किसी डॉक्टर के पास अक्रॉस इंडिया नहीं होगा जितना डेटा मेरे पास है. तो मेरा जो यूएसपी है वो है स्किन व्हाइटनिंग एंड हेयर रिग्रोथ. हम स्टेम सेल थेरेपी के थ्रू बालों को उगाते हैं. और दूसरी बात, जो व्हाइटनिंग है उसका अल्टीमेट रिजल्ट है. मतलब बेस्ट मेरे को जो लोग मेरे पास आते हैं वो व्हाइटनिंग के लिए आते हैं, चाहे कितना भी काला इंसान हो उसको मैं गोरा कर देता हूँ विद इन 1 to 2 months के अंदर. तो मेरा ये यूएसपी सबसे ज्यादा, और ये मेरा खुद के फॉर्मुलेशन है. ये जो फॉर्मुलेशन है वो मेरे खुद के क्रिएटेड है, तो इसलिए अभी तक कोई कॉपी नहीं कर पाया. बट रिजल्ट अल्टीमेट है, क्लाइंट को मेंटेन करना पड़ता है बस. जी, डॉक, ये स्किन व्हाइटनिंग है, ये स्किन को क्लियर करते हैं आप? देखिए, बेसिकली आपकी स्किन में कई पिगमेंट होते हैं, ठीक है. जैसे मेरा कलर आप देखोगे डिफरेंट है, आपका कलर डिफरेंट है, आप भी गोरे हो, मैं भी गोरा हूँ, ठीक है. कोई पिंकिश व्हाइट होता है, कोई ग्रीनिश व्हाइट होता है, कोई येलोइश व्हाइट होता है. सबके बॉडी टेक्सचर अकेला एक पिगमेंट पर डिपेंड नहीं करता है. एक होता है बॉडी के अंदर हीमोग्लोबिन पिगमेंट, लाइक आपका ब्लड. तो जो ब्लड होता है आपके हीमोग्लोबिन कितना, उसके ऊपर डिपेंड करेगा आपका फेस कलर. मेलानिन पिगमेंट जो कि ब्लैक होता है वो कितना आपकी बॉडी में, उस पर डिपेंड करेगा आपका फेस का कलर. तीसरा डिपेंड करता है बाइल पिगमेंट, जो आपने देखा होगा जॉइंटिस में बाइल पिगमेंट बढ़ जाता है तो पीला पीला पीलिया कहते हैं जो है ना, वो हो जाता है. तो बाइल पिगमेंट कितना आपकी बॉडी के अंदर, वो एंड यू मेलानिन फ्यू मेलानिन, ये सारे पिगमेंट मिलके आपके बॉडी का कलर डिसाइड करते हैं. हम लोग जो ट्रीटमेंट करते हैं, हम लोग सिर्फ मेलानिन पिगमेंट, जो पिगमेंट बन चुके हैं, हम सिर्फ उसको ही रिमूव करते हैं, हम उसको खत्म कर देते हैं. न्यू पिगमेंट ना आए उसके लिए कुछ मेंटेनेंस सनस्क्रीन वनस्क्रीन क्रीम होती है, वो आपको फॉलो करना है क्लाइंट को उसको मेंटेन करने के लिए. कलर डिपेंड करेगा आपके बाकी के पिगमेंट बॉडी में कितने हैं, आपके यू मेलानिन कितना है, फ्यू मेलानिन कितना है, आपका हीमोग्लोबिन कितना है, तो उसके ऊपर डिपेंड करेगा बॉडी का कलर टेक्सचर. क्लियर स्किन क्या होती है, आपने पिगमेंट को रिमूव कर दिया, कहीं इकट्ठा पिगमेंट कहीं ग्रुप में डिपॉजिट है तो दाग कहलाता है, बट कहीं इवन डिपॉजिट है तो वो पिगमेंट कलर कहलाएगा.
और कहीं इकट्ठा ऐसे ग्रुप में है लाइक ये है, तो ये दाग है. फॉर एग्जाम्पल एक दाग ले लू मैं, यहाँ पे कॉन्सेंट्रेटेड पिगमेंट डिपॉजिट है तो ये स्पॉट कहलाएगा. अब आपने एक्ने हुआ, आपने फोड़ दिया तो वहां पे पीआईएच हो जाता है, पोस्ट इन्फ्लेमेटरी हाइपरपिगमेंटेशन, तो वहां पे पिगमेंट आ गया. तो हम लोग जो ट्रीटमेंट करते हैं उसमें मेलानिन पिगमेंट को रिमूव कर देते हैं, चाहे वो स्पॉट पे हो चाहे ओवरऑल हो. तो वो ओवरऑल कलर भी साफ करता है, स्किन को क्लियर भी करता है और सब चीज हो जाती है. मतलब एक ही ट्रीटमेंट से आपको 90% स्किन प्रॉब्लम खत्म हो जाती है. राइट डॉ. एंड इसके कोई साइड इफेक्ट्स नहीं होते होंगे? एंड मिस्टर आशीष, आई एम श्योरली गोना टेक योर क्वेश्चन, जस्ट गिव मी अ सेकंड, हम पहले ये डिस्कशन निकाल ले, इसके बाद आई एम श्योरली गोना टेक योर क्वेश्चन, आई नोट डाउन योर क्वेश्चन. यस डॉ, ऑफ टू यू. तो जो साइड इफेक्ट, इसका ऐसा कुछ सच कोई साइड इफेक्ट नहीं होता, बट क्लाइंट को मेंटेन करना रहता है. देखो कोई भी चीज होती है, गोरा होना आसान होता है, उसको मेंटेन करना बहुत मुश्किल होता है. आपको सनस्क्रीन मैट के हमेशा लगाना पड़ता है. जस्ट सेम उसी तरीके से जैसे आप डेली ब्रश करते हो, आप बाहर जाते हो, आप नहाते हो, साबुन लगाते हो, शैम्पू लगाते हो, बालों को क्लीन करते हो, आप जो कपड़े पहनते हो आपको उसको वॉश करना पड़ता है, आपकी गाड़ी उसको साफ करना पड़ता है. सेम आपकी फेस का भी है, आपकी बॉडी को भी. आपको आपका एक बार कलर साफ हो गया, उसका मतलब ये नहीं कि आप हमेशा क्लीन हो जाओगे, आपको मेंटेन करना पड़ेगा. अगर मेंटेन नहीं करता है क्लाइंट तो एज इट इज वापस जो भी बाहर धूप में जा रहा है, फिर टैनिंग हो जाएगी, कुछ हो जाएगा. तो वो मेंटेनेंस होता है, बाकी साइड इफेक्ट ऐसा कुछ नहीं है अभी तक. अभी तक तो मुझे कोई साइड इफेक्ट नहीं मिला. सबके मतलब सारे पेशेंट खुश ही होते हैं, जो मेंटेन करते हैं वो खुश है, जो मेंटेन नहीं करते हैं उनके वापस कलर डाउन हो जाता है. तो मतलब वी आर नॉट गॉड, हम भगवान नहीं है, हमने ऐसे घुमाया और हो गया, ऐसा नहीं होता. बट यस, कि क्लाइंट अगर मेंटेन करता है तो उसको रिजल्ट बहुत अच्छा मिलता है. राइट डॉक, एक वो भी आप सर्जरी करते हैं जिसमें आई कलर चेंज करते हैं लोगों का? देखो आई कलर चेंज करने वाली सर्जरी मैं नहीं करता हूँ, ना ही मैं सजेस्ट करता हूँ. बेसिकली उसमें क्या होता है कि आपके जो प्यूपल होता है उसमें वहां पे जैसे लेंस सर्जरी करके लेंस डालते हैं ना कैटरेक्ट में, सेम ऐसे ही वहां पे भी प्यूपल में के आगे वहां पे एक कुछ उनका आता है, वो सेट कर देते हैं. तो वो पूरा कट करके, आंखों को कट करके डाला जाता है. तो वो मैं सजेस्ट नहीं करूंगा कि कोई करा है आई कलर चेंज करने का. इतना ही, इतना शौक है तो लेंस लगा लो, आंखों को मत पड़वाओ अपनी. राइट डॉक, जो क्वेश्चन पोस्ट ऑन किया हुआ था वो क्वेश्चन था, फेशियल हेयर रिमूवल अदर देन लेजर ट्रीटमेंट, जो अनवांटेड फेशियल हेयर. देखो फेशियल हेयर अभी डिपेंड करता है मेल का है कि फीमेल का है. ठीक है, फीमेल के अगर है तो मेल, हाँ. क्या 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 थ्रेडिंग ऐसे नहीं करते हो जो लोकल सैलून में होता है? तो मेल का बाल आ रहे हैं कि फीमेल आ रहे हैं? अगर फीमेल के हैं तो हार्मोन डिसबैलेंस हो रहा है, उसका हार्मोन प्रोफाइल चेक करके उसका ट्रीटमेंट होगा. अगर आपको जनरली आपको बाल हटाने हैं तो विदाउट लेजर, लेजर बेस्ट होता है, गोल्ड स्टैंडर्ड लेजर ही होता है हेयर रिमूव करने के लिए. मगर अगर विदाउट लेजर आपको करना है तो एक अप्रूव्ड लोशन आता है. हाँ बेटा, हाँ लिप लाइटनिंग होना है तो शिफ्ट करो. मैं आज आप लोगों को एक लाइव लिप लाइटनिंग का ट्रीटमेंट भी दिखाता हूँ. Oh, wow. एक लाइव लाइव जितने लोगों का लिप लाइटनिंग का प्रोसेस देखा, मैं अभी वेट करेगा पेशेंट का है, अभी करूंगा मैं, तो आप लोगों को लाइव दिखाऊंगा यहाँ पे जितने लोग भी बैठे हैं, 97 लोग, लिप लाइटनिंग का लाइव ट्रीटमेंट लेजर के थ्रू. तो people, you can get your friends as well. अगर आपके फ्रेंड्स देखना चाहते हैं कि लिप लाइटनिंग कैसे करते हैं और पूरा मार दो है. एंड आप अगर ये भी देखना चाहते हैं कि डॉक्टर अभिनीत गुप्ता क्यों डॉक्टर अभिनीत गुप्ता है, क्यों वो डॉक्टर बॉलीवुड है, तो काइंडली लाइफ पे बने रहिए. आई रिक्वेस्ट यू ऑल काइंडली बी अ बिट मोर पेशेंट एंड ऑफ टू यू डॉक. ओके, तो ये जो हेयर रिमूवल का था इसमें एक अप्रूव्ड लोशन आता है, तो आपको शेव करना है एरिया को. मैं पास रखा नहीं, मैं दिखा देता आपको. आपको एरिया को शेव करना है या थ्रेडिंग करना है, और थ्रेडिंग करने के बाद या शेव करने के बाद आप अप्रूव्ड लोशन लगा सकते हैं. आपको रेगुलर अप्रूव्ड लगाना है तो वो आपकी हेयर ग्रोथ को रिटार्ड कर देगा, वो ग्रोथ को स्लो कर देगा बहुत ज्यादा. दूसरी बात, इसमें आप एक बहुत सी चीजें आती है, मतलब हेयर रिटार्डिंग ही फॉर्मूले होते हैं, बाकी ऐसा कोई या फिर लेजर होता है. परमानेंट ट्रीटमेंट चाहिए तो लेजर ही बेस्ट है, गोल्ड स्टैंडर्ड. बाकी घर में ऐसा कुछ ऐसा होता नहीं कि आप उसको अप्लाई करें और हो जाएगा. और मेरे जैसे लोग जिनकी दाढ़ी आती नहीं है वो क्या करें? उसके लिए इंजेक्शन लगाने पड़ेंगे. इंजेक्शन मेरे पास इंजेक्शन है उसको, उसके लिए हार्मोनल ट्रीटमेंट होता है. एक्चुअली हार्मोन के इंजेक्शन होते हैं जो ग्रोथ को बढ़ा देता है, दाढ़ी स्टिमुलेट करता है. लेकिन उससे ये नहीं होता होगा, पूरी बॉडी पे नहीं स्टिमुलेट होता होगा फिर हेयर ग्रोथ? नहीं, वो ऐसा नहीं होता. वो डिपेंड करता है बॉडी के, पहले हम हार्मोन प्रोफाइल चेक करते हैं कितना हार्मोन है. जैसे टेस्टोस्टेरोन देखा जाएगा तो टेस्टोस्टेरोन कितना लेवल है अभी बॉडी में, उसके अकॉर्डिंग हम लोग इंजेक्शन लगा के उसको ग्रोथ को बढ़ाते हैं. वो जब एक्सेस में हो जाता है, फॉर एग्जाम्पल 750 टेस्टोस्टेरोन होना चाहिए, आप 3-4 हजार का लगा के रखे हुए हो,
बढ़ा के रखे तो होता है, बट वो भी जब तक टाइम बिंग होता है, जब तक असर रहेगा फिर खत्म हो जाती है बॉडी बॉडी हेयर ग्रोथ ऐसे बहुत इजीली नहीं आती। वो डीएससी का लेवल बढ़ेगा तो होता है, डीएससी का लेवल बढ़ता है तो यहाँ से बाल जाते हैं और बॉडी के बाल आते हैं। बट हम अभी बात करें टेस्टोस्टेरोन की, यस, तो हम अभी बात करें टेस्टोस्टेरोन की, नॉट डीएससी। लेडीज एंड जेंटलमैन, टेस्टोस्टेरोन का बाय प्रोडक्ट इज डीएससी। तो मैं अभी आपको दिखाता हूँ, मैं लाइव पे दिखा दूं आपको, ट्रीटमेंट करते हुए दिक्कत तो नहीं है? ठीक है, ओके। तो ये है हमारे, क्या नाम है आपका? प्रत्यक्ष जी, कहाँ से आए आप? ये अंबिकापुर से आए हैं, अंबिकापुर ये छत्तीसगढ़। प्रत्यक्ष जी आज ही ट्रीटमेंट कराने आए, इनके बहुत सारे ट्रीटमेंट हुए आज, तो ऑन करो। ये लेजर मशीन है, ये क्यूसिस लेजर है और ये पीको लेजर है। ये पीको सेकंड में वर्क करती है और ये नैनो सेकंड में वर्क करती है। हटो बेटा, राइट खोल दो। अलमास बुला रहे किसी को? Ladies and gentlemen, you are very, very lucky because you are going to watch this wonderful live therapy and you're going to know more about this session. You're going to watch how lip lightening is done and why a lot of people go for it and how is it so easy as well. I'm pretty sure ki Karthik ki yogi going to be very, very do watching. Right, and get your friends as well if they want to watch this particular session. You can get your family as well. You can even get your grandpa as well, or that weird uncle Barry who wants to go for lip lightening treatment. Right, so just watch it, people. So, ye laser hai, kisus laser hai. जो नैनो सेकंड में वर्क करती है, ये बेसिकली पिगमेंट को फोटो एकॉस्टिक मूवमेंट, फोटो एकॉस्टिक मतलब फोटो मींस लाइट एंड एकॉस्टिक मतलब साउंड, ये साउंड के थ्रू, लाइट एंड साउंड के थ्रू पिगमेंट को ब्रेक कर देती है और वो पिगमेंट धीरे धीरे रिमूव हो जाता है। सेम जब जैसे हम टैटू को रिमूव करते हैं या कुछ, बेटा कोई भी कागज ब्लैक चाहिए मेरे को, दिखा कुछ भी हो ब्लैक दिखा, कोई ऐसा मतलब काला चाहिए ना पूरा, मैगजीन वैगजीन रखा हो, कवर रखा होगा लेके जल्दी, ये कोई भी देखो उसका डब्बा देखो वहां पे कहीं, देखो देखो लेके आओ। मैं इसका, ये इसका हैंडपीस होता है जिसमें लेजर लाइट निकलेगी अभी। तो गाइज मैं आपको अभी लाइव दिखाऊंगा कि किस तरीके से ये पिगमेंट को ब्रेक करता है। इसमें हम फोटो फेशियल भी कर सकते हैं और हम लेजर ब्लीचिंग भी कर सकते हैं। किसी को बालों बाल आते हैं फेस पे, हम लेजर ब्लीचिंग भी इससे कर सकते हैं, फोटो फेशियल भी कर सकते हैं, बर्थ मार्क है वो रिमूव कर सकते हैं, टैटू है तो वो भी रिमूव कर सकते हैं। तो अभी हम इनका करेंगे लिप लाइटिंग। हम बेसिकली इनके जो लिप है यहाँ पे पिगमेंट डिपॉजिट है, जो डार्क पिगमेंट हम इसको ब्रेक कर देंगे। इसमें कम से कम 5 से 6 सेटिंग होती है और उसके बाद इनके लिप लाइट हो जाएंगे। मतलब बहुत ज्यादा डिफरेंस तो पिंक तो नहीं होगा, बट यस ये आपका अराउंड 2-3 शेड लाइट कर देता है। राइट राइट। एंड डॉक, टैटू रिमूवल में कितना सेटिंग्स लगता है? टैटू पे भी डिपेंड करता है कौन सा कलर है, उस पर डिपेंड करता है। मतलब 5-6 सेटिंग तो मान के चलो आप अच्छी लेजर की। मतलब ये थोड़ा स्लो लेजर है, ये पीको जो लेजर है ये वाली, ये बहुत फास्ट है। मतलब ये बर्थ मार्क वगैरह है, किसी को लेसन नहीं होता ना, फेस पे बर्थ मार्क है, बॉडी में बर्थ मार्क है, उसको रिमूव करने के लिए होता है। राइट राइट राइट। बाद द लैटर टैटूज पूरे रिमूव हो जाते हैं? हाँ, टैटू पूरा रिमूव हो जाता है। इसको पकड़ो। राइट। वो डिपेंड करता है कि आपने, बहुत से मशीनें अच्छी नहीं होती है तो उनमें थोड़ी दिक्कत आती है, मगर अपने पास जो पीको लेजर है वो पूरा रिमूव कर देता है। मैं भी एक लाइव दिखाता हूँ आपको किस तरीके से वर्क करता है ये। श्योर। अलवास का है? ये ब्लैक पिगमेंट है, इसने इसको ब्रेक कर दिया। आप देखो, ओ तो चेहरे में भी जो काले पिगमेंट होते हैं या कुछ होता है उसको भी हम ब्रेक कर सकते हैं। उसको मैं इसकी स्पीड बढ़ा दूंगा। Wow. तो
तो ये पिगमेंट को पूरा ब्रेक कर देता है, चाहे टैटू पिगमेंट हो, चाहे ये डब्बे का पिगमेंट है, क्लिप का पिगमेंट है, कलर हो, फेस का कलर हो, ये पूरा साफ कर देता है। तो अभी मैं पेन होता है क्या डॉग? पेन ऐसा नहीं होता है इसमें, मतलब थोड़ा सा जस्ट लाइक आप कह सकते हो उसे पिंच करते ना अपन रबर बैंड से, उतना होता है। राइट 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 राइट। इसको बेटा पकड़ो। ब्लीडिंग वगैरह? एक मिनट, ब्लीडिंग कुछ नहीं थी, मैं आपको दिखा, मेरा देखो, ये देखना, मैं हाथ पे करूंगा अभी, यहाँ पे ज्यादा वो करेगा क्योंकि पिगमेंट डार्क है, यहाँ पे ज्यादा पिगमेंट है तो उसको ज्यादा डैमेज करेगा, बर्न करेगा, यहाँ पे कम है तो यहाँ पे उसको उतना नहीं करेगा। तो अभी इनके इनके लिप पे करूंगा, लिप पे दिखाओ, इफेक्ट ज्यादा इसको आई आई में लगाओ, गॉगल का पेशेंट गॉगल लेके आओ, पेशेंट गॉगल लेके आओ। Yes, people were asked about the cost as well, but just be a bit more patient. Just watch this bike live session, and the latter we are gonna ask the cost as well. So please, 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 please be patient. Yes, I'm gonna take your question as well. Appy tail, what is the name of the treatment? We're gonna ask about that as well. I'm going down your questions. Right. Okay. So, Akari, Mukul. तो हम बेसिकली सर पिगमेंट को ब्रेक कर रहे हैं। अभी ये पिगमेंट ब्रेक होगा स्किन के अंदर और फिर जो हमारे मैक्रोफेजेस होते हैं और फैगोसाइट्स होते हैं वो उसको एंगल करके रिमूव कर देंगे। मल्टीपल सेटिंग यूज होते हैं लिप लाइटिंग के लिए, चाहे फेस के लिए हो। क्या करना है इसको, ये क्या करा देना, लिप लाइटिंग किट देना उनको भी, ठीक है, जो पैक है नाइट लगाने के लिए लिप पे, वो दो। तो ये हो गया। यस, अब देखो उसमें होता क्या है कि मैं आपको समझाता हूँ ये वर्क कैसे करता है। ये एक पिगमेंट है, ठीक है, अभी बॉडी के अंदर जो एंगल्फ करने की प्रॉपर्टी होती है फेगोसाइट्स और मैक्रोफेजेस होते हैं, वो एक पर्टिकुलर डायमीटर तक के पिगमेंट को या कोई भी इम्प्यूरिटीज है बैक्टीरिया को एंगल्फ मतलब खा पाते हैं, फेगोसाइट कर पाते हैं। अभी ये जो पिगमेंट होता है टैटू होता है या इन पिगमेंट होते हैं, इनको हम जैसे फॉर एग्जांपल ये पिगमेंट इतना बड़ा, इसको जब हम लेजर मारते हैं तो ये 1,00,000 पार्ट में टूट के ब्रेक हो जाएगा, ये बहुत छोटा हो जाएगा। तो जब छोटा हो जाएगा तो हमारे जो बॉडी के मैक्रोफेजेस होते हैं और जो फेगोसाइट्स होते हैं उसको खा पाते हैं, खा के रिमूव कर देते हैं। तो हम जो पिगमेंट होते हैं मिलेनियम पिगमेंट होते हैं उसको भी हम इसी तरह से डैमेज करते हैं ताकि वो रिमूव हो जाए। हाय तेरान, कैसे है भाई? तो ये बेसिकली आपके पिगमेंट को भी ब्रेक कर देगा और कलर भी साफ कर देता है, बर्थ मार के उसको रिमूव कर देता है, टैटू है उसको रिमूव कर देता है, चाहे लिप का हो चाहे यहाँ के बालों को मैं करूंगा तो बाल पूरा वाइट हो जाएगा, मतलब बालों में ब्लीच हो जाएगा। राइट डॉक, किसी ने क्वेश्चन पोस्ट किया एंड एक्चुअली अ लॉट ऑफ पीपल हैड बीन आस्किंग दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। क्वेश्चन था कि कॉस्ट कितना है इस ट्रीटमेंट का, एवरीथिंग बॉइल्स डाउन टू कॉस्ट, तो कॉस्ट कितना है?
बहुत ज्यादा कॉस्टली नहीं है, 1500 रुपए चार्ज करते हैं हम लोग, बाकी तो डिपेंड करता है कि अलग अलग डॉक्टर्स अलग अलग चार्ज करते हैं। वी चार्ज 1500 पर सिटिंग, 3 से 4 सिटिंग होती हैं। यस राइट। एंड जैसे लेडीज एंड जेंटलमैन, 1500 रुपीज, काइंडली गो टू भोपाल, काइंडली गो टू हिज क्लिनिक्स, 1500 रुपीज। एंड सब क्लिनिक्स में सेम रेट है? नहीं हाँ, मेरी क्लिनिक पे सब क्लिनिक पे सेम रेट है, बट आई डोंट नो ड्रेस डॉक्टर क्या चार्ज कर रहे हैं। अच्छा नहीं डिपेंड नहीं करता है लेजर आपके के ऊपर जितने भी भी, क्लिनिक्स हैं, आपके जितने, बट सब सबके सब पे सेम है, सब पे सेम है। तो राइट, लेडीज एंड जेंटलमैन, 1500 बक्स फॉर परफेक्ट ज्यूसी लिप्स, काइंडली गो एंड गेट। जूसी यस प्लीज डॉग। हाँ, तो तिरान भाई कैसे हो आप? एक मेरा फ्रेंड है तिरान बख्शी, ही इज एक्टर, वो भी आए थे यहाँ पे। या यार बेस्ट मैन, तो उनकी भी वेरीफाइड प्रोफाइल है, अभी जो चल रहा है इनका मैसेज आप देखोगे। तो गाइस और क्या क्वेश्चन है लोगों के? इट्स और क्वेश्चन था, आस्क द नेम ऑफ द ट्रीटमेंट। एक्यूसिश लेजर, लिप लाइटिंग। अब लेजर के थ्रू देखो सब लोग अपना अपना नाम रखते हैं, आप उसमें कुछ भी कह सकते हो। इट्स अ लिप लाइटिंग ट्रीटमेंट है बेसिकली लेजर के थ्रू, और अब अलग अलग डॉक्टर्स अलग अलग नाम रखते हैं, उनकी क्लिनिक पे डिफरेंट नेम होते हैं। आप नहीं ऐसा कुछ सोच रहे इसका नेम नहीं नहीं चेंज करने का? मैं बहुत सिंपल, परफेक्ट परफेक्ट नहीं, उसको हम फिलर के थ्रू करते हैं, ज्यूसी वो हम फिलर के थ्रू करते हैं। फिलर डालते हैं तो हम उसको शेप अप करते हैं लिप को, तो उससे लिप्स। एकदम हार्ट शेप लिप बनाना है या कैसा भी लिप चाहिए ना, जो ज्यूसी लिप होता है वो उससे होता है, मतलब Perfect juicy lips in 1500 rupees. Ladies and gentlemen, I request you all to kindly go and visit Dr. Abhineet Gupta. Wonderful. All right. और एक और क्वेश्चन था, and the question was, is it permanent or not? नथिंग इज परमानेंट, यू हैव टू मेंटेन इट, यू हैव टू अप्लाई सनस्क्रीन ऑल्सो, चाहे फेस हो चाहे लिप हो, कहीं भी हो, अपने यहाँ पे भी उसको केयर करनी ही पड़ेगी। सिगरेट स्मोकिंग अगर आप करते हैं तो स्मोकिंग ना करें, बिकॉज वो वैसे कॉन्स्ट्रक्शन कराता है निकोटीन, आपकी जो ब्लड वेसल होती है, जो लिप होते हैं हमारा, ये हाईली वेस्कुलर एरिया होता है, और जब आप सिगरेट पीते हैं तो उसमें निकोटीन होता है, तो वो जो वैसो डायलेशन, मतलब लाइक जो आर्टरीज है उसमें, वहां पे ल्यूमेन को छोटा कर देता है, उनका जो छेद होता है आर्टरीज का, वो ल्यूमेन उसका छोटा हो जाता है, तो जब छोटा हो जाएगा छेद, तो वहां पे ब्लड स्लो हो जाता है फ्लो होना, तो लिप में भी हाईली वेस्कुलर एरिया होता है, बट जब निकोटीन आप लेते हो तो वहां पे वो स्लो कर देता है, इसके कारण वहां पे आपको लिप डार्क दिखने लगते हैं, सेम आपके डार्क सर्कल भी आने लगेंगे अगर आप सिगरेट ज्यादा पीते हैं, वो भी सेम रीजन है, वहां पे हीमोग्लोबिन पिगमेंट डिपॉजिट होने लगता है बिकॉज वैसोडाइलेशन कॉन्स्ट्रिक्शन के कारण, तो सिगरेट विगरेट ना पिए ब्रो, और ऐसे स्क्रबिंग ऐसे करें। कर रहे थे, वो ऐसे ऐसे इशारे कर रहे थे, दैट वाज लुकिंग वेरी वेरी बैड। आई मीन ऐसे नहीं, मतलब नहीं अरे मतलब वो वाला इशारा नहीं 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 था, नहीं नहीं वो नहीं, वाला नहीं न्यूमेन इतने अच्छे रिस्पेक्टेबल डॉक्टर यार, मतलब कुछ भी ऐसे करोगे? नहीं मतलब नहीं, ऐसे नहीं, मतलब क्या ये क्या क्या इशारे होते हैं, क्या इशारे होते हैं, छोटे छेद पता नहीं क्या क्या। बहुत यंग बच्चे देखते हैं यार ये मैसेज, सोसाइटी बच्चा के यहाँ लिए पे, यहाँ पे यहाँ मैसेज। यहाँ पे बच्चा कौन है? यहाँ पे कोई बच्चा नहीं है। बच्चे जो भी हो फिर भी मतलब ये गंदे गंदे इशारे, मतलब चलो क्या बोल सकते हैं। देखो डॉक्टर बेशरम होते हैं, डॉक्टर के काम ही होता है, तो हम लोग को तो शर्म आती नहीं, हम लोग बेशरम आदमी है। नहीं, इट्स परफेक्टली फाइन। आई डू अंडरस्टैंड, एंड आई डू अंडरस्टैंड द फीलिंग दैट यू आर ट्राइंग टू गो इनटू दैट एज वेल, बट नेवर्थलेस एंड नॉनदलेस, एक और क्वेश्चन था, साइड इफेक्ट्स क्या है इसके? साइड इफेक्ट नहीं होते, देखो हर चीज के आफ्टर इफेक्ट होते हैं, साइड इफेक्ट नहीं होता, आप प्रॉपर अगर केयर नहीं करते हैं तो होता है, बट साइड इफेक्ट तो कुछ नहीं, मेरे को ऐसा कुछ मिला नहीं है आज तक देखने को, इसमें कोई साइड इफेक्ट, बट यस थोड़ा केयर करेंगे तो रिजल्ट लंबा चलता है, क्या चलता है लंबा? रिजल्ट अच्छा, ओके, राइट। साइड इफेक्ट्स इसके है नहीं, इट्स परफेक्टली वंडरफुल। एंड आपको बस अपने लिप्स की केयर करनी पड़ेगी। एंड टू ऑल द पीपल ऑफ द हाउस हु स्मोक, काइंडली क्विट स्मोकिंग, काइंडली टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। राइट, जो अभी प्रॉब्लम्स आप अभी स्मोक करते हैं, अभी कुछ गलत चीजें करते हैं, वो बाद में जाके लाइफ में आपको 100% प्रॉब्लम देगी। राइट सर, जी बिल्कुल। लॉ ऑफ थिंग्स, मैंने एक और चीज देखी, डाइट पे भी काफी चीजें डिपेंड करती है डॉक। मतलब मैंने देखा है कि जब जो कई बार आप मेरे खाते हैं, राइट जो आप खाते हैं वो आपके चेहरे पर रिफ्लेक्ट करता है, पूरी बॉडी को, बॉडी में जितने भी चीजें बनी है ना, वो
हमारी पूरी बॉडी बनी है, चाहे बाल हो, चाहे स्किन हो, चाहे ऑर्गन्स हो, चाहे सेल्स हो, ये सब प्रोटीन से बना हुआ है. ठीक है, विटामिन्स बहुत ही एसेंशियल होते हैं, एक नॉन एसेंशियल विटामिन होते हैं. नॉन एसेंशियल विटामिन हमारी बॉडी खुद बनाती है, एसेंशियल विटामिन्स जो हमको बाहर से लेना पड़ता है. अभी होता क्या है कि हमारी बॉडी में डेली वियर एंड टियर होता है. हमारे आफ्टर बर्थ हम लोग जब पैदा होते हैं उसके बाद से हमारी बॉडी में वियर एंड टियर होना चालू रहता है, मतलब सेल टूटना चालू रहते हैं, रिपेयरिंग होती है, ये सब होता है, ये हार्मोन के इन्फ्लुएंस में ये सब चीजें होती हैं. मगर क्या होता है कि इनको रिपेयरिंग के लिए आपको रॉ मटेरियल चाहिए होता है, विच आर हम ये अपने विटामिन्स होते हैं या प्रोटीन होता है, जो भी होता है बिल्डिंग मटेरियल होती है. आप जब प्रॉपर डाइट अच्छी नहीं खाते हैं तो होता क्या है कि आपके पास रॉ मटेरियल कम है और ब्रेकेज ज्यादा हो रहा है. तो आप क्या करोगे, आपके बहुत बड़ी बिल्डिंग है और आपके रॉ मटेरियल कम है और टूट ज्यादा रही है, तो आप क्या करोगे, जहां पे असेंशियल चीज होगी ना, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होगी, बॉडी वहां पे डाइवर्ट कर देगी. फॉर एग्जांपल मेरा हार्ट इंपॉर्टेंट है, ब्रेन इंपॉर्टेंट है, लिवर किडनी फंक्शन इंपॉर्टेंट है, तो बॉडी क्या करेगी, ये सारे विटामिन है या न्यूट्रिशन है ये आपके उस एरिया में उन ऑर्गन को उन सेल्स को डाइवर्ट कर देगी ताकि वो प्रॉपरली वर्क कर पाए, वो प्रॉपरली रिपेयर हो पाए. इसी दौरान क्या होता है कि हम लोग प्रॉपर डाइट नहीं खाते हैं, डाइट में न्यूट्रिशन कमी होती है, उसके कारण हमारे न्यूट्रिशन प्रॉपर मिल नहीं पा रहा है और जितना चाहिए रॉ मटेरियल वो नहीं है, तो हमारी सबसे आखिरी में स्किन और हेयर में जाता है. तो आपको स्किन में इश्यूज आने लगेंगे लॉन्ग टर्म में, आपके हेयर फॉल होने चालू हो जाएगा, न्यूट्रिशन की डेफिशिएंसी के कारण होता है सब चीजें, बिकॉज आपको रॉ मटेरियल नहीं है उसको रिपेयरिंग के लिए, क्योंकि इसको भी रिपेयरिंग के लिए रॉ मटेरियल चाहिए होता है. अभी हम लोग जो खाते हैं, हम लोग बोलेंगे हम लोग तो ग्रीन वेजिटेबल खाते हैं या हम लोग तो बहुत सारा डाइट खाते हैं, तब भी हमारी स्किन में डिप्राइव रहती है एंटीऑक्सीडेंट से. तो जो आप खाना खा रहे हो वो एक्चुअली आर्टिफिशियली क्रिएटेड है, आखिर में हर चीज आर्टिफिशियली क्रिएटेड है, कोई ऑर्गेनिक नहीं है, तो इसलिए ज्यादा डैमेज होता है. वो भी इसमें भी जितने भी जो कहते हैं ना क्या पेस्टिसाइड डले होते हैं वो आपकी बॉडी को ज्यादा हार्म करता है. तो खाना आप खाएं बट ऑर्गेनिक फूड लें, फ्रूट्स खाएं ज्यादा, फल सब्जी खाएं, सलाद खाएं, फाइबर्स को लें, पेट में जितना गंदगी पड़ी रहेगी वो उतना डैमेज करेगा. नॉन वेज खाते हैं एक्चुअली, पता है एक थ्योरी आई थी, आई डोंट नो कितने लोग यहाँ पे एग्री होंगे नहीं होंगे, अभी सब मेरे को अभी चालू कर देंगे डस्टी लिखना, क्योंकि कहेंगे कि आप वेज हो तो आप नॉन वेज कैसा बोल रहे हो, बट हम लोग नॉन वेज खाने के लिए नहीं बने हैं, हमारी बॉडी जो है नॉन वेज खाने के लिए नहीं बनी है, ह्यूमन बॉडी. आप लोग जितना भी हम लोग जो चिकन या मटन जो लोग खाते हैं वो जो खाते हैं उसको बॉडी 20% ही एब्जॉर्ब कर पाती है, डाइजेस्ट करके एब्जॉर्ब कर पाती है, 80% वो निकल जाता है, वो एब्जॉर्ब नहीं कर पाता है, बिकॉज वेरी हाई प्रोटीन डाइट. ठीक है, आप देखोगे बिल्ली है या शेर है वो एक बार शिकार करते हैं और चार चार दिन सोते रहते हैं, बिकॉज उनको डाइजेस्ट करने में उतना एनर्जी लगती है. हमारी बॉडी वैसी नहीं बनी है, हमारे कैनाइन आप टीथ देखोगे, आप शेर के दांत देखोगे वो नॉनवेज खाने के लिए बनाए, तो उनके दांत कैनाइन ना, तो वो शार्प होते हैं, हमारे वैसे नहीं है, हम लोग नॉनवेज खाने के लिए नहीं बने हैं एक्चुअली, मगर लोग खाते हैं नॉनवेज. अभी आप देखोगे आज की डेट में कैंसर बहुत ज्यादा कॉमन हो चुका है, आप देखोगे आए दिन कहीं ना कहीं किसी को कैंसर दिख रहा है, किसी को ब्रेस्ट कैंसर हो रहा है, किसी को इधर लंग कैंसर हो रहा है, किसी को कोई कैंसर हो रहा है. रीजन क्या है इसका, आप जो खाना खाते हैं, हम लोग जो खाना खाते हैं वो हमारी प्रॉपर, पहली बात वो डाइजेस्ट नहीं हो पाता है, जब वो डाइजेस्ट नहीं हो पाता तो इंटेस्टाइन में पड़ा रहता है, इंटेस्टाइन में जब वो पड़ा रहता है तो टॉक्सिन्स क्रिएट करता है. लाइक आपने नॉनवेज खाया, ठीक है, अब आपकी बॉडी में कैपेसिटी नहीं है उसको डाइजेस्ट करने की, आपकी बॉडी में उतना एसिड बना नहीं पा रही है, वो आपके डाइजेस्टिव जूसेस उतने स्ट्रांग नहीं है, आपके डाइजेस्टिव जूसेस स्ट्रांग होना चाहिए उसको डिस्ट्रॉय डैमेज करने के लिए, वो उतना स्ट्रांग नहीं है. ठीक है, अभी आपके बाइल जूस नहीं बन पा रहा है, आपकी गैस्ट्रिक जूस उतने स्ट्रांग नहीं है, तो वो क्या कर रहा है, वो प्रॉपर डाइजेस्ट नहीं हो पा रहा है, वो आधा डाइजेस्ट हुआ आधा पड़ा हुआ है. जितनी देर वो बॉडी के अंदर रहेगा वो उतने टॉक्सिन्स क्रिएट करेगा. नाउ वो जो टॉक्सिन्स बन रहे हैं वो टॉक्सिन्स इंटेस्टाइन एब्जॉर्ब करेगी और बॉडी में जो लिम्फेटिक ड्रेनेज होता है, लिम्फेटिक सिस्टम होता है, वहां पे जाके वो लोड करती है, वहां पे ओवरलोड हो जाता है लिम्फेटिक सिस्टम में. लिम्फेटिक यहाँ पे आई डोंट नो यहाँ पे कितने लोगों को पता है लिम्फेटिक सिस्टम, जैसे हमारा ब्लड सिस्टम होता है ऐसी लिम्फेटिक सिस्टम होता है, ड्रेनेज होता है, तो वो बेसिकली यहाँ पे नोड्स होते हैं. आप देखोगे उनके कई लोगों के फूले होते हैं, कैंसर होते हैं, उनको यहाँ पे लिम्फ नोड होते हैं, फूल जाते हैं, तो ये लोड बढ़ जाता है उसके कारण ये होता है. तो आपके बॉडी में जितने ज्यादा टॉक्सिन्स होंगे, जितनी देर वो टॉक्सिन बॉडी के अंदर रहेंगे वो उतना आपको कैंसर प्रोन कर देगा.
वाइटामिन डी डेफिशिएंसी, वाइटामिन डी डेफिशिएंसी हमारे बॉडी में होने के कारण भी 78% चांसेस होते हैं बॉडी में कैंसर होने के, अगर वाइटामिन डी डेफिशिएंट हो, ठीक है, और ये लोगों को नहीं पता है। और दूसरी बात, अभी सब बहुत सारे लोग बोलेंगे हम तो धूप में जाते हैं वाइटामिन डी लेते हैं, मगर फिर भी 90% लोगों की बॉडी में वाइटामिन डेफिशिएंट होते हैं। मेरे चेक कराओगे मैं भी वाइटामिन डेफिशिएंट हूँ, आप भी हो गए, आप चाहे सुबह 9 बजे की धूप लेते हो गए तब भी आप वाइटामिन डेफिशिएंट हो गए। अभी एक चीज मैं आप बहुत अच्छी बताने वाला हूँ लोगों को, जितने लोग यहाँ पे 102 लोग देख रहे हैं, गाइस प्लीज इस चीज को ध्यान से समझना। आई डोंट नो आपको कोई और डॉक्टर बताएगा कि नहीं बताएगा, ये आपको पता है कि ये बात नहीं पता है, बट ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताने जा रहा हूँ। हमारी बॉडी वाइटामिन डी बहुत एसेंशियल हार्मोन है हमारी बॉडी के लिए, जो हमारी बॉडी को रेगुलेट करता है। जल्दी बोलो। हाँ नहीं, तो मैं ये बता रहा था कि जो विटामिन डी है, अभी वो हम सबको पता है कि धूप की रोशनी से हमें विटामिन डी मिलता है, राइट? बिल्कुल सही बात है। धूप में हम जब जाएंगे, सन में जाएंगे, तो हमारी स्किन में जब धूप की रेस पड़ती है, वो हमारी बॉडी विटामिन डी बनाती है। विटामिन बन तो जाता है, मगर उसको 48 आवर्स, मतलब 2 दिन लगते हैं उसको बॉडी को अंदर एब्जॉर्ब करने के लिए। 2 दिन के बाद वो एब्जॉर्ब होगा, स्किन के ऊपर बन गया, अंदर एब्जॉर्ब होने के 2 दिन लगते हैं। दूसरी बात, जब हम नहाते हैं और जब हम साबुन लगाते हैं, वो वॉश आउट हो जाता है। ये लोगों को नहीं पता, ये थ्योरेटिकल प्रूफ चीजें हैं। आप कभी भी नहाओ तो एटलीस्ट एक्सपोज पार्ट में साबुन ना लगाएं। जितने भी बड़े बुजुर्ग पुराने जमाने में लोग होते थे, वो साबुन यूज नहीं करते थे और वो कभी भी बीमार नहीं होते थे। मैक्सिमम टाइम आप देखोगे उनको कोई भी डेफिशिएंसी नहीं होती थी, बिकॉज उनके लाइफस्टाइल, खाना पीने, रहने का तरीका जो था, वो बहुत ही जैसा होना चाहिए वैसा था। बट हम लोग साबुन लगा लगा के, बॉडी वॉश लगा के, ये लगा के, आप साबुन यूज करें, क्लीन करें बॉडी, इनर पार्ट को क्लीन करें, आप साबुन लगाएं, कोई दिक्कत नहीं, मगर एक्सपोज पार्ट, एटलीस्ट फॉर एग्जाम्पल हैंड्स, आप यहाँ पे साबुन ना लगाएं। एटलीस्ट 3-3 दिन में, हफ्ते में एक बार लगाओ, आप रेगुलर ना लगाओ, एटलीस्ट जो विटामिन डी बन रहा है आपकी बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब होगा, ये हमें पता ही नहीं है। आप ब्लैक गॉगल पहनते हैं, ब्लैक गॉगल पहनते हैं ना, तो उसमें भी आपकी बॉडी विटामिन डी बनाना बंद कर देती है। विटामिन डी बनता कैसे है? हमारी जो सनलाइट होती है, यूवी ए एंड यूवी बी होती है, वो जब हमारी आंखों के रेटिना के थ्रू जब ब्रेन को सिग्नल देती है, यूवी रेज आ रही, तो विटामिन डी बनना चालू होता है। बट जब ब्लैक गॉगल लगा लेते हैं लोग, तो वो विटामिन वो फिल्टर हो जाता है, यूवी लाइट फिल्टर हो गई है और बॉडी बना नहीं पाती है विटामिन डी। ये लोगों को नहीं पता है। आई डोंट नो, बहुत से लोगों को, डॉक्टर्स को भी नहीं पता होगा ये बातें, बहुत से लोगों को नहीं पता है, इट्स अ रिसर्च मटेरियल। तो ये आपको ब्लैक गॉगल्स लगाएं, बट कोशिश करें कि बॉडी को अपना साबुन ना लगाएं, एक्सपोज करें कुछ पार्ट प्रॉपर लें, और एल्स आप ये सब नहीं कर सकते हैं। हाँ, आ रहा हूँ 10-15 मिनट, 5:30 तो। हाँ, क्या बोल रहा था मैं, सॉरी, तो विटामिन डी अगर आपके नहीं बना पा रही बॉडी, तो आप विटामिन डी के सैशे होते हैं, आप वो दूध में घोल के वंस अ वीक पीजिए, एटलीस्ट वो आपके बॉडी के अंदर विटामिन डी के डेफिशिएंसी को पूरा करेगा। राइट, मैंने ये पूछा था कि आर देयर एनी ओरल काइंड्स ऑफ टैबलेट्स दैट यू कैन कंज्यूम फॉर द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी? बहुत सारी टैबलेट्स आती हैं, ओरल पाउडर आता है जो दूध में पीना पड़ता है, वंस अ डे, वंस अ वीक लेना पड़ता है, आप लीजिए, वो बहुत अच्छा होता है। आप रेगुलर अपने फैमिली को दीजिए, पेरेंट्स को दीजिए, सबको दीजिए, फैमिली सबको पीना चाहिए। मैं तो वंस अ वीक पीता ही हूँ, बट जरूरी नहीं कि आप हमेशा पीते रहो, आप एक महीना पियो, 2 महीने पियो, फिर गैप कर सकते हो, कोई इशू नहीं है, बट उसकी डेफिशिएंसी ना हो, इतना आप एटलीस्ट लो। डॉक, आपने एक चीज बोली थी कि यू सेड दैट वी ह्यूमंस आर एक्चुअली नॉट मेंट फॉर ईटिंग नॉनवेज, एंड ये एक थ्योरी आपने एक बताई थी कि आप भी इस चीज में स्पेशलाइज नहीं करते, बट देयर इज अ थ्योरी अकॉर्डिंग टू यू एंड यू हैव रेड समवेयर, परफेक्ट। बट जो लोग, जैसे जो एथलीट होते हैं, जो वर्कआउट करते हैं लोग, जो जिम जाते हैं, तो वो अपना प्रोटीन डेफिशिएंसी कैसे कवर कर सकते हैं? देखो, 150 ग्राम प्रोटीन बॉडी को नीडेड होता है, ठीक है, 150 ग्राम पर डे। डाइजेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, आप उस चीज को डाइजेस्ट कर पा रहे हो कि नहीं पा रहे हो। देखो, मैं खा बहुत सारा लूं, बट मेरी बॉडी उसको डाइजेस्ट ही नहीं कर पा रही है। आप सिंपल फॉर्म में अगर लेंगे, जो बॉडी एब्जॉर्ब कर पाए, देखो एब्जॉर्प्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट।
मैं ये खा लूंगा इसका मतलब नहीं कि इसके अंदर न्यूट्रिशन होंगे मेरी बॉडी को मिल जाएंगे, जब तक बॉडी को डाइजेस्ट ब्रेक ना कर पाए उसके अकॉर्डिंग वो उसको एब्जॉर्ब ना कर पाए, अनटिल अनलेस बॉडी उसको एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगी वो आपको इफेक्ट नहीं देगा, आप चाहे कितना ही उसमें कुछ भी खा लो। मैं एक बाथ टब में दूध भर के लेट जाऊंगा उसका मतलब नहीं कि मेरी बॉडी को कैल्शियम मिल जाएगा। यू गेटिंग माय पॉइंट? दूध के अंदर कैल्शियम होता है, डजंट मीन कि मैं बाथ टब में दूध में नहाऊंगा और मेरे को दूध मेरी बॉडी कैल्शियम मिल जाएगा, बॉडी को नहीं मिलेगा, मेरे को पीना पड़ेगा। लक्स फ्रेंडनेस ऐश्वर्य राय की तरह, तो ऐसा नहीं होगा। तो ये सेम चीज होती है, बॉडी आपकी, आपको कितना जरूरत है और किस फॉर्म में आप ले रहे हो, वो डाइजेस्टिव फॉर्म में हो। मैं नहीं बोल रहा कि नॉनवेज ना खाए, नॉनवेज बुरा होता है, खाइए, बट हमारी बॉडी नहीं बनी है, एक्सेस मत खाइए, एक्सेस मत लो। एंड अगर आप खाते भी है देन यू ऑट टू वर्क आउट एज वेल, राइट? आपको जो पुराने सर आप बोल रहे थे कि पुराने लोग होते थे, राइट, जो बड़े बुजुर्ग होते थे उनको प्रॉब्लम्स नहीं होती थी, मेरे हिसाब से उनका जो लाइफस्टाइल होता था इट वाज वेरी वेरी नेचुरल, राइट? दे डिडंट सिट राइट ऑफ द स्क्रीन्स फॉर आवर्स एंड आवर्स एंड आवर्स और वर्क नहीं करते थे। दूसरी चीज एक और थी कि वो काम बहुत बाहर करते थे, खेतों में काम करते थे, है ना, बिल्कुल, किसी गाय भैंस को कुछ कर रहे हैं, मतलब उनके साथ खाना उनको चबा रहे हैं या कुछ ऐसा, मतलब देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स दैट अ लॉट ऑफ पीपल यूज्ड टू डू बैक देन, एंड सभी का लाइफस्टाइल वैसे था, राइट? अब हम इवॉल्व हो रहे हैं, हम ह्यूमंस, हमारी जो जनरेशन है, आई थिंक जो हम, हमारी जो जनरेशन है अभी, लाइक फॉर बिकमिंग 150 इयर्स मोर, हमको इस सारे लाइफस्टाइल को अडॉप्ट करने में टाइम लगेगा, राइट सर? मेरे हिसाब से नहीं, बिल्कुल सही बोल रहे हो आप, ये बहुत ही एक्चुअली आज की डेट में, आप देखो आप तो हिमाचल में रहते हो, ठीक है, आप जो हवा में सांस ले रहे हो ना वो हम लोग सपना है, हम लोगों के लिए मतलब लिटरली ये सपना है, क्योंकि यहाँ पे इस हम लोग जिस जहाँ पर रहते हैं वहां पे बहुत पॉल्यूशन है, पहाड़ी एरिया में नेचुरल हर चीज होती है, ऑक्सीजन भी अच्छा है वहां पे, और वहां पे जो आई थिंक वहां पे जो फूड भी, अब आई डोंट नो अभी क्या है, बट जो फूड वहां पे अगर कल्टीवेट होता होगा तो वो भी ऑर्गेनिकली होता होगा, बट यहाँ पे आप देखोगे तो लौकी में भी इंजेक्शन लगा लगा के, तरबूज में इंजेक्शन लगा के इतना बड़ा कर देते हैं, खरबूजे में इंजेक्शन लगा, हर चीज में तो इंजेक्शन लगा के उसको बड़ा करके सब बर्बाद कर दिया, तो वो चीज उतनी इफेक्टिव नहीं है। आप एक चीज देखो कि एक मुर्गा है, वो चूजा इतू सा है, अभी उसको एक महीने में अगर वो फॉर एग्जाम्पल हाफ के जी का होना है तो उसको इंजेक्शन लगा लगा के 2 किलो कर देते हैं, वो क्या करेगा, वो क्या उसके अंदर क्या भरा हुआ है, आप खुद सोचो वो किस तरीके से बनाया गया है, उसमें इतने केमिकल्स डाल दिए, इतने हार्मोन्स डाल दिए कि वो क्या ही आपको न्यूट्रिशन देगा, उससे ज्यादा आपको डैमेज करेगा, और हम सोचते हैं कि हम प्रोटीन खा रहे हैं, वो नहीं। आप अंडा, हाँ प्लीज प्लीज प्लीज, एक चीज मैं आपको एक चीज और बताऊंगा, यहाँ पे बहुत से लोगों को पता ही नहीं होगा, उनको बहुत सारे एक्ने की इश्यूज होंगे, एक्ने प्रॉब्लम होगी, उन्हें पता ही नहीं कि डाइट में वो खा क्या रहे हैं, वो उनकी बॉडी के पूरे हार्मोन्स ठीक हैं, बट वो जो खाना खा रहे हैं उसमें इतनी गड़बड़ होती है कि उसके कारण उसके बॉडी में हार्मोन डिसबैलेंस हो जाते हैं, और पीसीओडी आज की में देखोगे पॉलीसिस्टिक ओवरी डिजीज, फीमेल में 10 में से 4 फीमेल्स को या 5 फीमेल को पीसीओडी प्रॉब्लम होती है, सिस्ट की प्रॉब्लम होती है आज की डेट में, बिकॉज आप जो हम लोग जो भी खाना खाते हैं वो नेचुरल नहीं है, आप दूध पी रहे हो, गाय का दूध पी रहे हो, उसको ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन ठोक ठोक के दूध निकाला जा रहा है, वो क्या है, आपकी बॉडी में ऑक्सीटोसिन जाएगा, ऑक्सीटोसिन इज अगेन द हार्मोन, वो आपकी बॉडी में भी वही हार्मोन जा रहा है, वही बॉडी में डिसबैलेंस करा रहा है, एंड्रोजेनिक एंड्रोजन का लेवल बढ़ा रहा है, एंड्रोजन का लेवल बढ़ेगा आपको सेबेशियस ग्लैंड एक्टिवेट हो जाएंगी, हाइपर एक्टिव हो जाएंगी, सेबेशियस ग्लैंड सीबम बनाएगा, वो आपका एक्ने कॉज करेगा, बहुत सी चीजें होती है जो हमें पता ही नहीं, हम जाने अनजाने में हम लोग सोचते हैं हम लोग खा रहे हैं अच्छा खा रहे हैं दूध अच्छा पी रहे हैं, मगर वो दूध ही हमें डैमेज कर रहा है, तो खाएं अच्छा पिए, अब इस ये तो आपको देखना ही पड़ेगा कि कहाँ से आप ले रहे हो सामान, कोशिश करें कि जितने लोग भी हैं जो दूध लेते भी हैं वो अपने नेचुरल आसपास के जो हो कहीं कोई, आजकल हम लोग इंडिया में रहते हैं आसपास हर जगह कहीं ना कहीं डेयरी फॉर्म होते हैं, आप पैकेट का दूध लेने से अच्छा है कि डेयरी का दूध लें, तो आपके आसपास में पता है कि हाँ भाई चलो ठीक है ट्रस्टेड बंदा आपको सही चीज देगा, अब इसलिए गाय तो नहीं पा सकते हो, बट यस आपको थोड़ा केयर तो करना चाहिए, पता लगा लोगों ने इंस्पायर होकर गाय के बछड़े ले आए, गाय 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 को पाल लिया, मुर्गियां पाल लिया, उन्हें अंडे हम खुद ही निकालेंगे घर में, वो ऐसा भी करना चाहो तो कर सकते हो, देखो अगर मैं हिमाचल में रह रहा होता तो मैं एक फार्म हाउस में पूरा गाय वाय और बछड़े सब पाल के रखता,
सर आप तो ज्यादा ही ओवर एस्टिमेट कर रहे हो हिमाचल को इस टाइम, इतना ऐसा भी नहीं है यहाँ पे। प्रॉब्लम इज, मैं आपको एक प्रॉब्लम बताता हूँ, प्रॉब्लम इज कि यहाँ पे लोग बहुत ज्यादा टूरिज्म आता है, राइट, लॉट ऑफ पीपल कम फ्रॉम लॉट ऑफ प्लेसेस, दिल्ली, मुंबई, पंजाब, हरियाणा, ऑल नेबरिंग स्टेट्स, जम्मू एंड कश्मीर, ऑल दीज प्लेसेस। उसकी वजह से क्या होता है कि पॉपुलेशन ज्यादा हो चुका है उस एरिया का, राइट, जैसे धर्मशाला का, मैक्लोडगंज पे, तो मेरा घर इज जस्ट लाइक 5-6 किलोमीटर अवे फ्रॉम मैक्लोडगंज। तो यहाँ पे पॉपुलेशन बहुत ज्यादा बढ़ गया है, ऊपर से लोग जो होते हैं बाहर की चीजें लाते हैं, बाहर का सामान लाते हैं, अब उनको डिमांड और सप्लाई का जो वही बात आ गई ना कि डिमांड इतनी है, सप्लाई हिमाचल की इतनी है, सिर्फ इतने लोगों, तो बाहर से आता है सारा सामान, बाहर के फिर वही अब बात आ बाहर तो वैसे ही जाती खराब होता है जो बाहर सारे है। ऑलरेडी हाँ, सब गड़बड़ हो रहा है। सही है, इंजेक्शन ठोक ठोक के। इंजेक्शन ठोक ठोक के उसको निकाला जा रहा है और बर्बाद कर दिया बॉडी भी और सब कुछ। बॉडी भी एग्जैक्टली डॉक। एंड अब हम फाइनली पहुंच चुके हैं इस सेशन के लास्ट में, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप कुछ टिप्स ट्रिक्स हेल्दी लाइफस्टाइल के लिए हमारे लोगों को, हमारे जो फ्रेंड्स अभी देख रहे हैं उनको कुछ देना चाहेंगे, बेसिक टिप्स एंड ट्रिक्स विंटर्स के लिए, जैसे विंटर्स में हमारे हैं। विंटर्स में हमारे यार देखो, सबसे पहले तो आप सनस्क्रीन बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे विंटर हो या ना हो आपको सनस्क्रीन लगानी लगानी है। ये एक डर्मेट के प्रिस्क्रिप्शन में फर्स्ट सनस्क्रीन ही लिखी होती है, सबसे पहले सनस्क्रीन ही लिखता है उसको, मतलब और कुछ नहीं, सबसे इंपॉर्टेंट सनस्क्रीन, क्योंकि धूप के डैमेज, सन डैमेज से ही हमारी मैक्सिमम बीमारियां चालू हो जाती हैं, स्किन के प्रॉब्लम इश्यूज चालू हो जाते हैं। तो आपको सनस्क्रीन तो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्लीनिंग तो आपको बता ही दिया मैंने, इतनी बार बता दिया है। न्यूट्रिशन, वाइटामिन बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हमें कौन सा वाइटामिन खाना चाहिए? देखो आप सस्ते के चक्कर में मत जाओ, बहुत से लोग, बहुत सारे लोग यार, मेरे को पता है इतने, कई बार लगता है बड़ा दुख होता है, मुझे फील होता है, बुरा फील होता है। लोग आई नो कि हर कोई महंगे मेडिसिन नहीं अफोर्ड कर पाता है, नहीं अफोर्ड कर पाता है, तो उसके चक्कर में सस्ते सस्ते दवाई खाते हैं, उसके कारण उनको बहुत ज्यादा डैमेज और ज्यादा बॉडी हो जाती है। लाइक अगर मैं बात करूं कि मैं वाइटामिन सी की बात करूं, तो अच्छी कंपनी का वाइटामिन सी है, फॉर एग्जाम्पल अगर आप ये देखोगे तो ये आपको वाइटामिन सी आएगा 300 रुपए का 20 टेबलेट। और एक सस्ती टेबलेट भी आती है, मैं नाम नहीं लूंगा उस कंपनी का, मैं क्योंकि यहाँ पे मैं नहीं चाह रहा कोई कंपनी का बदनाम करना, बट उसका जो केमिकल सॉल्ट होता है, सॉल्ट जो होते हैं बॉडी एब्जॉर्ब नहीं कर पाती, वो आपकी बॉडी में स्टोन कॉज कर देता है। वाइटामिन सी इज वेरी गुड फॉर हेल्थ, आपके इम्यून सिस्टम को बूस्टअप करता है, सब चीज अच्छा करेगा, अंटिल और अनलेस आप प्रॉपर वाला ले रहे हो। सस्ते के चक्कर में मत पड़ो, कोई भी न्यूट्रिशन ले रहे हो, मल्टी विटामिन ले रहे हो, वो अच्छी कंपनी का ले जो बॉडी, उसकी बायो अवेलेबिलिटी अच्छी हो, बॉडी एब्जॉर्ब कर पाए। कंपनियां क्या करती है कि ऐसा लिखा है उसमें, लिख दिया 100 विटामिन लिख दिए, वो उसके जो न्यूट्रिशन बॉडी को चाहिए उतना है कि नहीं है, वो तो देखो सिर्फ नाम के लिए है क्या उसके अंदर? आपको बॉडी को जितना चाहिए उतना होना भी चाहिए। मैं प्रेफर करता हूँ जनरली एक मेल या फीमेल या प्रो इम्यून किट, जैसे मेल हेयर फैट किट आती है, वो बालों में भी काम करती है, नेल्स में भी काम करती है, स्किन में भी काम करती है। 1,000 रुपए का एक पूरा डब्बा आता है, पूरा 1 मंथ चलता है, मेल्स का अलग है फीमेल्स का अलग आता है वो मेडिसिन। मैं भी खुद भी खाता हूँ वो, उसके आपका अगर हेयर फॉल हो रहा होगा तो वो विदिन 2 टू 3 मंथ आपकी फॉलिंग खत्म कर देगा, इट्स वेरी गुड, वेरी गुड। साइक्लिकल थेरेपी होती है, एक साथ सारे विटामिन नहीं दिए जाते हैं, रुक रुक के थोड़े थोड़े विटामिन दिए जाते हैं। कई बार होता है कि आपने आयरन भी साथ में खा रहे हो, कैल्शियम भी खा रहे हो, विटामिन सी भी खा रहे हो, कोई एब्जॉर्ब नहीं होता, तो वो साइक्लिकल थेरेपी दी जाती है उसके अंदर। कभी कोई विटामिन दिया जाता है, कभी कोई विटामिन दिया जाता है, उसमें लिखा है कौन से दिन आपको कौन सा विटामिन खाना है, वो बहुत अच्छा है, उसका एब्जॉर्प्शन बहुत अच्छा है। तो प्रॉपरली स्मार्टली कोई भी चीज खाएं, जस्ट भेड़ चाल मत चलिए कि आपने देखा मार्केट में कि विटामिन सी खा रहे हैं लोग, इम्यून सिस्टम बूस्टअप करने के लिए कुछ भी खा लो, वो आपके किडनी में स्टोन कर देगा, सॉल्ट वो एब्जॉर्ब नहीं हो पाता है। तो अलग अलग डिफरेंट सॉल्ट होते हैं, तो आपको पता होना चाहिए क्या खा रहे हो। तो मैं यही राइट बोलूंगा राइट कि विटामिन लीजिए, जूस पीजिए, नेचुरल डाइट लीजिए, कोशिश करें जूस ज्यादा पिए, पानी से ज्यादा अच्छा जूस होता है, बिकॉज अल्कलाइन वाटर लास्ट टाइम मैंने बताया था, तो जूस पीजिए और कोशिश करिए। एक मेरे पास एक ये गाइस, जितने लोग भी होंगे यहाँ पे, मैंने एक काढ़े के ऊपर वीडियो बनाया था, आप मेरा रिसेंट वीडियो देखना, ये बहुत अच्छा है, ये बहुत ही अच्छा है, मैं इसको पी के दिखाता हूँ। मतलब इसका बॉक्स ऐसा ब्राउन था ना, जब मेरे पास ये रिव्यू भी आया था तो मेरे को लग रहा था यार ये पता नहीं कैसा टेस्ट होगा, गंदा सा टेस्ट होगा, काढ़ा नाम सुन के लगता है ना कि यार क्या होगा, हाँ बट जैसे कि आप पीते हो कड़वा वाला पीते हो, तो ये तो टेस्टी वाला है। बट तो जहर है, जहर। हाँ, इसके अंदर तुलसी है, जिंजर है, मुलेठी, टर्मरिक, कोरिएंडर, ब्लैक पेपर, शंखपुष्पी, आंवला, ईशा का पता नहीं क्या है, बारंगी, कुलिंजन, कलमेघ,
अटल सा, पता नहीं बहुत कुछ है, गंदे गंदे नाम है इसके अंदर, आयुर्वेदिक गंदे, मैं प्रोनाउंसिएशन नहीं कर पा रहा हूँ उनका, तो मेरे लिए ऐसा हो रहा है बिकॉज मैं कौन सा शीला जी डांट रखा है इसमें गंदे गंदे तो मैं उसको पढ़ नहीं पा रहा हूँ। बट गाइस जो लोग काढ़ा नहीं पी पा रहे हो है ना, जो हम बचपन से देखते आ रहे हैं कि सर्दी जुकाम होता है काढ़ा पीना चाहिए, हल्दी का दूध पीना चाहिए, जो आप नहीं पी पाते हो, मैं हल्दी के दूध के नाम से ऐसा हो जाता हूँ कि यार नहीं, तो ये आप लीजिए और ये बिल्कुल ऑरेंज टेस्ट करता है, ऑरेंज जूस पी रहे हो। तो मैंने अभी क्या कर दिया, मैं अपने इसको रखा ही रहता हूँ, मेरे कार में भी रहता है, कहीं भी रहता है, मैं जब भी पानी पीता हूँ या कुछ भी करता हूँ मैं उसमें मिला लेता हूँ, मैं दिन में एक या दो बार मैं इसको ले लेता हूँ। आपको कहीं भी कोल्ड ड्रिंक पीना कुछ पीना, मैं इसको अपने मैंने ड्रिंक्स को मैंने शिफ्ट कर दिया, मैं अब मैंने ये लेता हूँ सीधा, तो ये रिजल्ट भी अच्छा देता है, बॉडी हेल्दी भी रहती है, बिकॉज देखो जो आप खाते हो वही आपकी बॉडी में दिखता है, वही आपके चेहरे में दिखेगा। आप अच्छा खाओगे तो अच्छा दिखेगा, आप जितना गंदा खाओगे जितनी वो आपके चेहरे में रिफ्लेक्ट करेगा, तो अभी से केयर करेंगे तो लॉन्ग टर्म में अच्छा दिखेगा, वरना फिर तो क्या ही बोलूं मैं। आपका वो आपका ड्रिंक है गंदा वाला, मैं चाह रहा हूँ कि मतलब मैं अच्छा वाला अच्छा फेस बनाऊंगा, आप गंदे वाले के गंदा फेस बनाना। वो रात को पीता होगा रात को पीते हो रात को पीते हैं हम। चीयर्स डॉक। तो गाइस मिलते हैं फिर बहुत जल्दी। Indeed. And ladies and gentlemen, thank you so very much to all the people of the house who have been very patient, very, 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 very patient, very, very enthusiastic to know more about the body. Just trust me, if you want to take care of your body, do not be afraid to spend money on your body. It's your body, right? And if you have to live long, a very happy life, do spend money on your body, not on your cohorts or your relatives or anybody else as well. Right, and if most certainly you enjoyed the session, then kindly drop us one of these and be like, yo, Sahas, we enjoyed the session. Drop me one of these for being such a wonderful and handsome personality. And finally, drop one of these, I mean, 10 of these to Dr. Abhineet Gupta for being such a humble, wonderful and very knowledgeable personality who is spreading a lot of social messages and helping only and only you folks. And thank you so very much, Doc. Mera dusra event hai, main uske liye rush karunga. Okay. Thank you so very much. And thank you. A very good evening to you. Thank you, please. Thank you. Bye, Doc. Chalo, bye. Bye.